हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों को एमके एलसीसी एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो साथी जो स्टूडेंट इस समय इस क्लास के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह सभी इसे अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप हैं उन सभी प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जिससे कि जो भी साथी को यदि हमारा इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उनको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और वह भी वहीं से हमारे साथ जुड़ सके। तो जल्दी से गाइज आप सभी साथियों एक बार शेयर कर देंगे। देखिए ठंड है जो बढ़ चुका है, तो आप लोग भी सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी ठंड है इसी ठंड में बहुत सारे लोग हैं जिनका तबीयत खराब होगा, और जो लास्ट का ठंड होता है उसमें तबीयत खराब होता है, और ठंड बढ़ जाने के कारण है जो मैं भी यहाँ पर जैकेट वगैरह को निकाल लिया हूँ। तो आप सभी साथियों हैं जो अब ठंड बढ़ गया है तो आप लोग अपने घर से ही कम्बल में या रजाई में ओढ़कर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और यह सुविधा है जो आपको एमके एलसीसी एजुकेशनल ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी साथियों इसका फायदा जरूर उठाएंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इस क्लास को बीच से छोड़कर नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग इस क्लास को बीच से छोड़कर जाते हैं तो आप लोग बहुत सारे अधूरे कॉन्सेप्ट को लेकर जाते हैं। तो इसलिए कभी भी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, और यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग फिर से उस क्लास को देख लीजिएगा, या फिर आप लोग हमें हैं जो मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप ऐप नंबर है 8320542398, इस पर यदि आप मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको किसी भी क्लास से संबंधित सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और यह क्लास बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आज जो भी टाइप आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। देखिए मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यही टाइप आएगा, लेकिन हाँ जो अभी तक टाइप पूछे गए हैं रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, चाहे जो भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यह तो गारंटी के साथ कोई भी नहीं आपको बताएगा कि बाबू रोय एपी लो यानी ये रट लो, यह आपको आ रहा है। यदि कोई ऐसा है तो वह पक्का सेटर होगा या फिर आयोग का कोई सदस्य ही है जो आपको बता सकता है। ऐसा है कि आयोग के सदस्य को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, तो आप लोग किसी के भ्रम में न पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़कर अपने किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं, क्या उनका थंबनेल देखिएगा तो क्या रट लो यह क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आप रट भी लेते हैं लेकिन वह क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी समस्या नहीं आएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट किया जाता है आपका क्लास को। हमारे आज के क्लास में पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन है जिसको हमने कल देखा था, अपने पिछले क्लास में देखा था, और उसी का एक बृहत प्रारूप हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि बड़ा प्रारूप देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, इन सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के का जो प्रारूप है यानी कि जो इसका कॉन्सेप्ट है, यदि आप उसे पकड़ लेंगे या उसे समझ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% एक भी परसेंट का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं जैसे जैसे करूँगा उसी तरह से आपको करते चलना है। यदि आपको पता है तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में यानी कि कर सकते हैं, और हमें इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। और जो इस समय जुड़े हुए हैं वह जल्दी से एक बार जरूर शेयर कर देंगे साथियों, ताकि और भी साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत सारे दोस्त होंगे जो 8 बजे ही रजाई में घुस गए होंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। चलिए क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी है जो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो हमने आपको शुरू से ही यह बता रखा है, क्या बता रखा है कि कोई भी लाभ किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है।
तो मान लेते हैं कि हमारा क्रयमूल कितना है, तो 100 रुपया है, यानी कि 100% होता है कोई भी क्रयमूल। अब इस क्रयमूल पर है जो 10% का हम लाभ ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 110%। ये चीज आपको क्लियर है या नहीं है इसके बारे में जल्दी से हमें बता देंगे। तो 10% हो गया 110%। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, देखिए हम कुछ नहीं अपने तरफ से कर रहे हैं, जो भी कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है, तो कह रहा है क्या, यदि हमने इस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, यानी कि जो 100 रुपये का वस्तु है, यानी कि जिसका मूल्य 100% है, उसको हम 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कम में खरीदने का मतलब क्या है कि हम उसे 80% में खरीदेंगे, यानी कि 80 रुपया में खरीदेंगे, तो 20% हम कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा उसका मूल, तो 80% हो जाएगा। तो कह रहा है कि कम में खरीदा होता और 20 रुपया अधिक में बेचा होता, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं क्या कि 20 रुपया वो अधिक में बेच रहा है, तो उसे 40% का लाभ होता। किस पर 40% का लाभ होता, तो 80 यानी कि जो 20% कम मूल्य में खरीदा था उस पर उसे 40% का लाभ होता। तो इसका यदि हम 40% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 32, यानी कि यह 32 आ गया, तो 80 में यदि हम प्लस 32 जोड़ लेते हैं 32%, तो हमारा कितना आ जाता है, तो 112% हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 112%, यानी कि 80 का आप 40% निकालेंगे तो 32 आएगा, तो जोड़ लीजिएगा तो कितना हो गया उसका लाभ, परसेंटेज की बात करें तो टोटल हो गया 112%। अब यहां से आपको एक चीज यह बस पता चल रहा होगा स्पष्ट कि जो पहले हम 100 रुपया में वस्तु खरीद रहे थे उस पर 10% का लाभ ले रहे थे। कितना ले रहे थे, तो 10% का लाभ ले रहे थे, लेकिन उसी वस्तु को हम 20% कम में खरीदा और 40% का लाभ लिया, तो उस वस्तु को हमने कितना में बेचा था, तो जो नया रेट था वह 112% में बेचा था, और पहलका का नया रेट था जब 100 के हिसाब से रहे थे 110, तो डिफरेंस यहां से निकालिएगा तो 2% का आ जाएगा, और यही 2% है जो आपको दे रखा है किसके बराबर में, तो 20 के बराबर में दे रखा है, यानी कि 20 रुपया के बराबर में दे रखा है। हम 1% की बात करें यहां पर तो 20/2 हो जाएगा, और 100% की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1000। यानी कि इस वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था दोस्तों वह था कितना, तो 1000 रुपया था। यह बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके बारे में जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता देंगे। और हाँ दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आप लोगों का नंबर 1 चैनल बन सके, और आपका आप लोग जब तक हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक यह जो चैनल है वहीं पर बना रहेगा और स्थायी रूप से पड़ा रहेगा। तो आप सभी साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि और भी साथी हैं जो हमसे जुड़ सके। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब चींटी ऊपर चढ़ता है तो देखते होंगे कि फिसलता है, तो समझ लीजिए कि किस तरह से हमें चढ़ना है और आप लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यह हमारा हो गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक ही मेथड इसलिए रख रहे हैं आप लोगों को, ताकि देखिए बहुत सारा मेथड इसका 2, 3, 4 बहुत सारे लोग हैं कि 10-10 मेथड भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग हमें यह बताएंगे कि जितना मेथड बताया जाएगा वो आपको याद रहेगा सारा। से हमारा जो भी मेथड लगाएंगे उससे आंसर ये तो एक ही आएगा, तो क्यों ना हम शॉर्ट ट्रिक को लगाएं, हम लॉन्ग में क्यों पढ़े, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन पर है जो 33 सेकेंड का समय मिलता है, यदि हम उसे लॉन्ग में यानी कि विस्तार से बनाएंगे तो संभव नहीं है कि हम लोग एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम किसी भी मैथ को या रीजनिंग हो उसको हम शॉर्ट तरीके से ही निकालने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। और देखिए इसमें आप लोगों को मैं यह आपको लग रहा होगा कि यह ट्रिक है, लेकिन ट्रिक कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है, और हमने स्टार्टिंग में ही आपको परसेंटेज पढ़ाया था इसीलिए, ताकि किस तरह से है जो परसेंटेज को निकाला जाता है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा परसेंटेज का क्लास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है, इसका टाइप हल्का चेंज है प्यारे साथियों, तो आप लोग इसे देखिएगा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर का।
एक आदमी है जो किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता, सॉरी यहाँ अधिक होना चाहिए था, कम हो गया है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ अधिक, अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का अतिरिक्त लाभ होता, तो वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप का है जो क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग बिल्कुल ही टेंशन ना लेंगे, हम इसके लिए एक अलग ही टाइप आप लोगों को बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो ओनली फॉर आपको इसी चैनल पर दिखाई देगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 25% कह रहा है, तो हमने आपको बताया था कि 25% को कैसे करना है, नहीं जी अधिक नहीं है, एक कम ही होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है यहाँ, तो हमारा 25% यदि हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा, तो 1/4 आएगा। और आप लोगों को पता है कि यह जो नीचे वाला मान होता है वह हमारा क्या होता है, तो वास्तविक होता है, यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो पहले हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 4 रुपया था। यदि हम लाभ की बात करें यानी कि सेलिंग प्राइस की बात करें, जिसमें लाभ हुआ है उसमें लाभ को भी जोड़ना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले 4 रुपये का वस्तु था लेकिन आपने लाभ सहित 1 रुपया का लाभ लिया, तो उस वस्तु को कितना में बेचा होगा, तो 5 रुपया में बेचा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ से एक चीज आपको करना है क्या है कि इसमें एक इस टाइप के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि उसका पहले था कॉस्ट प्राइस 4x रुपया, बाद में हो गया 5x रुपया। अब कह रहा है कि उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता, कितना में खरीदा होता, तो 900 रुपया कम में खरीदा होता, तो पहले उसका जो कॉस्ट प्राइस था 4x, इसमें से हम 900 रुपये को घटा लेंगे, और जो सेलिंग प्राइस में भी बोल रहा है कि 900 रुपया कम में बेचा होता, तो जो हमारा 5x है सेलिंग प्राइस, उसमें भी हम 900 को घटा लेंगे। तो कह रहा है कि इस तरह से उसे 30% का लाभ होता, क्या होता उसे 30% का लाभ, तो 30% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/10, यानी कि 10 रुपया हमारा क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो लाभ को भी जोड़ दे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 13 रुपया हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है, तो पहले लिखा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, तो 13 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं, और बस इस कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके मान को निकाल लेना है। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना हो गया, 13 × 52 हो जाता है, और 10 × 5 = 50, यानी कि 2x हो जाता है। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 × 17 से और 10 × 100, सॉरी 13 × 17 से और 10 × 90, यानी कि जब हम यहां से इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा, यानी x का मान है जो 1350 निकल के आ गया। हमें पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है तो वस्तु का क्रयमूल, क्रयमूल हमारा कितना था यहाँ पर, तो 4 यूनिट था, यानी कि 4 यूनिट, तो हम 1350 में 4 से गुना कर लेंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा 5 × 20, 2 × 12, 2 कितना होता है 14, और 4 × 1 = 5, यानी कि 5400 रुपया हमारा है जो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो आप सभी साथियों जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उसे इसी तरह से सोल्व करेंगे और सोल्व करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों को मैं यकीनन कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में को आप करने में मात्र 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को है जो सोल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 30% का अतिरिक्त लाभ होता, तो वस्तु का क्रयमूल निकालिए। देखिए इसी टाइप का कुछ अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें है जो हल्का चेंजेस किया गया है, तो आप लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। तो जो यहाँ पर जो क्वेश्चन था,
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और जो साथी इस समय हमारे साथ इस क्लास के साथ जुड़े हैं वह सभी साथी इसे अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप हैं उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें। और यदि गाइज आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सभी साथियों जल्दी से एक बार थम्सअप कर दें। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपया कम में खरीदा होता और 400 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का अतिरिक्त लाभ होता। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, बल्कि डिजिट को चेंज किया गया है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाता है, 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाता है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और मैं आप लोगों को यदि नहीं होता है तो जितने भी साथी इस समय जुड़े हैं वह जरूर कमेंट करेंगे। देखिए मैं इसलिए कहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ताकि जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे यह क्लास है जो आपको परमानेंट रह जाएगा, ऐसा नहीं कि हम इसे डिलीट कर देंगे या प्राइवेट कर देंगे। तो आप लोगों को जब इस टाइप के हम क्वेश्चन को करा रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट है ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए कि एक बार में ही फिर से दोबारा मैथ पढ़ने की आवश्यकता आपको न हो। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, प्रारूप हमारा वही है, कुछ भी नहीं चेंज है। कह रहा है क्या एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर लेता है, तो हम यहाँ पर 20% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो बोलिएगा 1/5। यहां तक कोई समस्या है तो जल्दी बताएंगे आप सभी साथियों। तो देखिए हम ले लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे वाला क्या होता है, तो वास्तविक यानी कि यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा वस्तु का क्या दिया है कि एक आदमी किसी वस्तु को है जो 20% लाभ पर बेचता है, तो यह हमारा हो गया सीपी। एसपी की बात करें यानी कि सेलिंग प्राइस की, तो 5 रुपये का वस्तु था, 1 रुपया लाभ लिया, तो कितने में बेचा होगा, तो बोलिएगा 6 रुपया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी और एसपी। सीपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सॉरी सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। हमारा सीपी कितना आया, तो 5x मान लेते हैं, और सेलिंग प्राइस कितना आया, तो हमारा 6x आया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपया कम में खरीदा होता है, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 5x, इसमें से हमें क्या घटा लेना है, तो 600 रुपया को घटा लेना है, यानी कि 5x माइनस 600, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 6x है, और इसमें से कितना घटाने के लिए बोल रहा है, तो 400 घटाने के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है क्या कि 30% का लाभ होता, और 30% को हम फ्रैक्शन में क्या करेंगे, तो 3/10 लिख लेंगे, यानी कि उसका जो है 30% लाभ के मतलब है कि 10%, 10 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, तो यदि वह उस सामान को 3 रुपया लाभ के साथ बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 13 रुपया हो गया। अब हम ऊपर में क्या लिखे हैं, तो हम ऊपर में लिखे हैं क्या, तो कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे कितना है, तो 10, और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, तो 13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना आता है 13×5 65 और 10×6 60, यानी कि हम इसे कर लेंगे तो हमारा निकल के आएगा 5x। कितना मान आएगा, तो 5x, और 5x यहां से कितना हो गया, तो 13×6 78 होता है, और 10×4 40, यानी कि घटाएंगे तो हमारा 3800 आएगा। कितना आएगा, 3800 आएगा। यदि हम इसे दोस्तों काटें तो हमारा मान कितना आ जाएगा, यदि आप लोग काटिएगा तो देखिए यहाँ से कट कर मान हमारा आ जाएगा 7×5 होता है 35, और हमारा ये हो जाएगा यानी कि 760। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था पहले, तो 5x था, तो 5 से फिर गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 3800 आ जाएगा, यानी कि उस वस्तु का है जो प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों, तो वह था हमारा 3800 रुपया। यह बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके बारे में हमें जल्दी से बता दीजिएगा, या आप लोग एक नंबर है हमारा 83 20 54
3298, इस पर आप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको लाइव क्लास में है जो इसे बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सभी साथियों इस क्लास को एंजॉय कीजिए और ज्यादा से ज्यादा है जो इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि और भी साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ सके। और इस क्लास के साथ में अंत तक आपको बना रहना है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को अब चलिए हम समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम एक बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन को निकालेंगे और जो कारगर बहुत साबित होगा। और यह क्वेश्चन है जो इस टाइप का क्वेश्चन है जो एक नंबर का पक्का पूछ लिया जाता है। लगभग हमने बहुत सारे एग्जाम को देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हमें लगता है कि नहीं, जो आगे होने वाला एग्जाम है हो सकता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को डाला जाए। तो जो क्वेश्चन है वह क्या करा, एक आदमी है, एक आदमी ने कुछ पेंसिल लिए, उसने 6 पेंसिल लिए 5 रुपये के हिसाब से खरीदा और 5 पेंसिल है जो 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो पेंसिल खरीदने और बेचने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, तो पेंसिल को खरीदने और बेचने की बात कर रहा है और यह कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि उसने लिया था कितना पेंसिल, 6 पेंसिल लिया था, कितने रुपया के हिसाब से लिया था, तो 5 रुपये के हिसाब से लिया था। फिर क्या रहा है क्या कि उसने 5 पेंसिल को है जो 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो इस प्रकार से बताना है कि उसे लाभ होगा या हानि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका है हमारे प्यारे साथियों, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे आपको क्या पता चलेगा, तो यह जो मान है यह हमारा हो जाएगा 25 और यह मान हो जाएगा हमारा हो जाएगा 36। यह जो मान हमारा आया और यह जो मान आया, यह हमारा शुरुआती का यानी कि जब हम पहले खरीदे थे उसका कॉस्ट प्राइस आया, और यह हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, यह हमारा सेलिंग प्राइस। अब इसका डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस निकालिएगा तो कितने का आ रहा है, तो 11 यूनिट का आ रहा है। तो 11 रुपये का डिफरेंस किस पर आ रहा है, तो बोलिएगा कि 25 पर आ रहा है। और 100% निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ 100 से गुना कर लेंगे तो 44%, यानी कि उसे 44% का है जो लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो बस कुछ भी नहीं करना है, इस ट्रिक को लगाना है और इस क्वेश्चन का है जो सॉल्यूशन को पाना है। और यदि आप लोग विस्तार पूर्वक इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं प्रतिदिन आप सभी साथियों का है जो कमेंट को रीड करता हूं, यहां पर पढ़ता हूं। तो हमारा यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। और जो साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे, और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सभी साथियों जरूर जुड़िएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग को यदि क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज इसे थम्सअप करना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें एक अलग तरह का उत्साह और एनर्जी मिलता है दोस्तों, जिससे कि हमें भी लगता है नहीं, हमारे जो प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हमें कुछ बताना चाहिए। तो आप लोग सभी साथी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम अपने अगले क्लास को लेकर आप लोगों के सामने आने वाले हैं।